subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात 11वीं की तीसरी गज़ल जिसे रियाज़ खैराबादी ने तहरीर किया है, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। गज़ल नंबर 3, रियाज़ खैराबादी। सबसे पहले हम जान पहचान पढ़ेंगे और उसके बाद में इस गज़ल को पढ़कर इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर मिसरे की तशरीह करेंगे। जान पहचान, रियाज़ का असल नाम सैयद रियाज़ अहमद है। इनकी पैदाइश 1852 ईस्वी में ज़िला सीतापुर के गांव खैराबाद में हुई। इन्होंने अपने नाम को तखल्लुस के तौर पर इख्तियार किया। इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद तुफ़ैल अहमद से हासिल की। जब इनकी तबीयत शायरी की तरफ मायल हुई तो इब्तदा में इन्होंने मुजफ्फर अली असीर और इनके इंतकाल के बाद अमीर मीनाई की शागिर्दी इख्तियार की। रियाज़ को लिसानुल मुल्क और ख़यामुल हिंद के खिताब से याद किया जाता है। इन्होंने खैराबाद से रियाज़ुल अखबार और माहनामा गुल कदाए रियाज़ जारी किए। रियाज़ ने गोरखपुर में भी सुकूनत इख्तियार की। यहाँ इन्होंने फितना और अतर फितना नामी रिसाले जारी किए, जिनमें अदबी लताइफ और ज़ोख़े सुखन से मुतालिक मवाद होता था। इसके अलावा इन्होंने दो अंग्रेज़ी नावलों का तर्जुमा भी किया। महमूदाबाद के राजा साहब के इसरार पर वो लखनऊ आ गए थे। रियाज़ खैराबादी ने उर्दू गज़ल को नया रंग बख्शा। शराब की सरमस्ती और सरशारी से मामूर अशार की कसरत की वजह से इन्हें उर्दू शायरी का रंद पारसा कहा जाता है। इनका कुलियात रियाज़ रिजवां के नाम से शाये हो चुका है। रियाज़ आबाई वतन में हैजे का शिकार हुए और 28 जुलाई 1934 को इनका इंतकाल हुआ। चलिए इस गज़ल को पढ़ते हैं और शेर ब शेर इसकी गज़ल की तशरीह करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। शर्म गिना से हश्र में जाया ना जाएगा, शर्म गिना से हश्र में जाया ना जाएगा, हमसे तो मुँह खुदा को दिखाया ना जाएगा, हमसे तो मुँह खुदा को दिखाया ना जाएगा। अब मुँह ना दिखाना, ये सामने ना जाना, सामना ना करना, ये एक मुहावरा है। इस शेर में शायर क्या कहता है? गुनाह के शर्म की वजह से हमको मैदान हश्र में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है और ना ही खुदा को मुँह दिखाने का हौसला रखते हैं। अब इसकी तशरीह करेंगे। इस शेर के मौजू को समझने के लिए मिसाल बड़ी मददगार साबित होगी कि एक शख्स किसी के यहाँ मुलाजिम है। इसका अपने मालिक के यहाँ पास आना जाना मामूल की बात है। इसी दौरान इस मुलाजिम से कोई ख़ता सरजद हो जाती है तो अपने मालिक के पास जाने में झिझक महसूस करता है। अगर चला गया तो जहनी और नफ्सियानी कैफियत उस दोनों जुदा होती है और यही हाल यहाँ पर शायर ने बयान की है कि बंदे की हालत होती है जो गुनाह या गुनाहों में मुब्तला होता है तो अल्लाह के दरबार में जाने में झिझक महसूस करता है। हमसे भी इसके दाम घटाए न जाएंगे, हमसे भी इसके दाम घटाए न जाएंगे, इनसे जो मोल दिल का बढ़ाया ना जाएगा, हमसे भी इसके दाम घटाए न जाएंगे, इनसे जो मोल दिल का बढ़ाया ना जाएगा। हम दिल की कीमत घटाएंगे या नहीं, जबकि दोस्त के ज़रिए या महबूब के ज़रिए दिल का मोल बढ़ाया नहीं जाता। तो इस शेर में शायर क्या कहता है? शायर दोस्त यानी महबूब के दरमियान दिल के सौदे का मामला तय करता हुआ नज़र आ रहा है। मामला तो इश्क में दोस्त दिल की कदर अहमियत को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं और दोस्त दिल की कदर कीमत घटाने पर राज़ी नहीं है। इस शेर में शायर अपने मोहब्बत के जज्बे को सच्चा पुरखलूस बताने की कोशिश कर रहा है और दोस्त के जज्बे को रियाकारी से भरा हुआ मफाद परस्त करार देता है। बन बन के बिजली आग लगाने वो आएंगे, बन बन के बिजली आग लगाने वो आएंगे, आँखों में नूर बन के समाया ना जाएगा। अब ये इस शेर में शायर क्या कहता है? वो बार बार चमक दमक के साथ बिजली की तरह आएगा, यानी महबूब आएगा और उसका शौक़ बढ़ाता जाएगा। और शायर कहता है कि आँखों में नूर बनकर बस जाए, लेकिन शायर इसमें इंतहा खूबसूरत अंदाज़ में माशूक यानी दोस्त की आदत को बयान करता है। वो शायर को अपनी एक
झलक दिखाकर बिजली की मानिंद छुप जाता है और ये हरकत जानबूझकर कर रहा है। शायर चाहता है कि शायर की आंखों का नूर वो तजल्ली होकर इसमें बस जाए, यानी शायर की आंखों की तजल्ली हो जाए ताकि इसकी आंखों को ठंडक पहुंचे। वो भी खींचे हैं तैग भी इनकी खिंची हुई, वो भी खींचे हैं तैग वो भी खींचे हैं तैग भी इनकी खिंची हुई, दोनों का नाज हमसे उठाया ना जाएगा। अब इस शेर में शायर क्या कहता है, दोस्त गुस्से में है यानी तैग खींच लिया है। अब यहाँ पर तैग जो है तलवार के बजाय अबरू को कहते हैं, यानी जो अबरू जो आप भाव को ज़्यादा टेढ़ा कर लेते हैं वह ऐसा तलवार की तरह नज़र आ रही है। इसीलिए इसी की बदौलत दोस्त शायर को अपनी जानिब रागिब करता है, शायर इसकी जानिब ना चाहते हुए भी खींचा चला जाता है। यह दोस्त दोहरी हालत में मुब्तला है, गुस्से में भी है और इसकी आँखों में मामूल के मुताबिक कशिश और रगबत भी है। एक ही वक्त में एक ही बात हो सकती है, दोस्त के गुस्से से पना चाही जाए या तैग के नाज को के वार को सहा जाए, दोनों काम एक ही वक्त में नहीं हो सकते। इसलिए शायर कहता है कि दोनों का नाज उठाया ना जाएगा, लफ्ज़ खींचा होना को एक ही मिसरे में इस तरह इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर नाज उठाना यानी नखरे बर्दाश्त करना इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिल दे किसी के दस्ते हिनाई में किस तरह, दिल दे किसी के दस्ते हिनाई में किस तरह, हमसे तो आग में ये जलाया ना जाएगा। अब यहाँ पर हिनाई, हिनाई यानी मेहंदी लगाना, हिना मेहंदी को कहते हैं। अब यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, दिल दे किसी के दस्ते हिनाई में किस तरह, हमसे तो आग में ये जलाया ना जाएगा। यानी शायर कहता है कि दिल देना ये तो एक किस्म का मुहावरा है, हम अपने दिल को किसी मेहंदी लगे हाथ में कैसे दें, अपने दिल को आग में जलाया जाए ये हमसे हो नहीं सकता। यानी शायर दोस्त की फितरत और आदत से बखूबी वाकिफ़ है और उसका दोस्त यानी महबूब बड़ा बेरहम और बेमुरव्वत है, जो भी इसके काबू में आ जाता है इसकी खैर नहीं होती। शायर कहता है कि हमसे ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकेगा। यह दोस्त के हाथों को हिनाई कहकर इससे आग का मफहूम पैदा किया गया है, यानी हिनाई यानी मेहंदी का रंग आग से मुशाबा करार दिया गया है, दोनों का रंग एक सा होता है, इससे दूसरे मिसले में जलने की बात समझ में आती है। क्यों छेड़ते हो साथ मेरे शमाए बज़्म को, क्यों छेड़ते हो साथ मेरे शमाए बज़्म को, रोते हुए को तुमसे हंसाया ना जाएगा। अब रोते हुए को हंसाना यानी कि जो लोग गमगीन है उनमें मज़ा की कैफियत पैदा करना है। अब शायर क्या कहता है कि शमाए बज़्म को क्यों छेड़ते हो, तुमसे रोते हुए को हंसाया नहीं जाता, यानी दोस्त से जो गम मिले हैं वो उसको ज़रा भी इजहार नहीं करता, अंदर ही अंदर कुड़ता है, जलता है, शिकवा शिकायत नहीं करता। और यही हाल शमा का भी है, जलते रहती है, परवाने को पता नहीं होता, ज़बान हाल से शिकवा शिकायत नहीं करती। जलती हुई शमा को ज़रा सी हरकत दे दी जाए तो पिघलता हुआ मोम थोड़ी देर तक फैल जाता है और इसकी लौ बेतरतीब हो जाती है। और इसीलिए शायर ने इन तमाम चीज़ों को यहाँ बयान किया है। इसकी आंखों से आंसू बहने का सिलसिला हो शुरू हो जाता है, हिचकियाँ बन जाती है और शायर दोस्त से कहता है कि इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, अगर ज़रा सा भी छेड़ा जाएगा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा और रो देगा, बेतहाशा रोएगा से, और वो दोस्त यानी महबूब उसे चुप नहीं करा सकेगा क्योंकि दोस्त वो दोस्त है जिसे सिर्फ रुलाना आता है। कहते हैं वो रियाज का दिल लेके क्या करें, कहते हैं वो रियाज का दिल लेके क्या करें, हमसे गले का हार बनाया ना जाएगा। शायर क्या कहता है, यानी रियाज का दिल लेकर क्या करें क्योंकि इसका दिल खरीब रखने के लायक नहीं है। सच्चे और मुखलिस इंसान को गलत बातें सख्त तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है जिससे वो चिल्ला उठता है और अपने रद्द अमल का इजहार करके यही कहता है कि जिस खलूस के साथ वो दूसरों के साथ रहता है दूसरे से भी वही खलूस चाहता है और ना पाकर बरहम हो जाता है। मुख्तसरन ये सच्चा और मुखलिस इंसान हसास भी होता है। शायर कहता है कि दोस्त रियाज को करीब नहीं रखना चाहता क्योंकि इससे खुरबत वाले जान बन जाती है। उम्मीद है आपको यह गज़ल समझ में आई होगी।
अगले दोबारा अगली गज़ल में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।